एक दो तीन अभी बज रहे हैं सुबह के 10। रास्ता फिर बंदर से कुछ लो तो फिर काफ़ी अच्छा है। उस साइड से मंदिर का जो रूल्स होते हैं आप उसके साथ जाओगे। आप तो पहले यहाँ पे चप्पल जूते एंट्री कर चुके हैं। हर हर भोले, अगर आप यहाँ अकेले हो तो थोड़ा सा फोटो खींचने में प्रॉब्लम आएगा, बाकी सब ठीक है। ये शमशान घाट चूँकि बागमती नदी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को फिर से हमारे इस नए से ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगी वो पशुपतिनाथ मंदिर की होगी। तो मैं रात में जहाँ रुका था वहाँ से इसकी डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर है। उस जगह का नाम रातोपुर था और धूप तो आज काफ़ी है। ये है रातोपुर, जगह देख लो, अच्छा व्यू है, ऊंचाई पे है काफ़ी। तो हम यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, फिर आज महादेव की दर्शन होंगे। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज में इनका नाम आता है। हाँ, ये आप अगर आप काठमांडू आते हो तो काठमांडू से त्रिभुवन एयरपोर्ट से 3.1 किलोमीटर आप नॉर्थ वेस्ट के तरफ आओ तो वहाँ से इजीली आपको फोर व्हीलर टैक्सी या फिर अगर टैक्सी से आते हो तो वहाँ का काफ़ी किराया 350 के आसपास का पैसा लेते हैं वो लोग नेपाली। अप्रॉक्स इंडियन 180 के आसपास होता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो एक ऑप्शन और है हम लोग के लिए, ये कि जिस तरह से हमारे यहाँ रैपिडो होती है ना वो टू व्हीलर बाइक, सेम यहाँ भी एक पठाओ करके एप्लीकेशन है, तो आप इसलिए बुक कर लो और 150 के आसपास उससे लगता है। तो काफ़ी वो चीज़ काफ़ी अच्छे हैं, अब जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाएंगे वो। तो फ़िलहाल तो अभी हम रोड पे चल रहे हैं, फिर चलते हैं देखते हैं। वो फाइनली रोड तो क्रॉस कर लिए और चल रहे हैं। ये गोशाला चौक पड़ता है, रातोपुर से थोड़ा आगे आओगे तो गोशाला चौक पड़ता है और गोशाला चौक के जस्ट बगल से एक रास्ता जाती है जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर तक जाती है। तो हमारी तो हमारी एंट्री हो चुकी है, ये है हमारी एंट्री पॉइंट। तो बंदर बहुत है। एक दो तीन, यहाँ तीन बंदर, सब डर रहा है। एक तो तीन नहीं, काफी है यहाँ पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। ये रास्ता थोड़ा बंदर से बच लो, ये रास्ता फिर बंदर से बच लो तो फिर काफ़ी अच्छा है। उस साइड से हम यहाँ से गए लोकल पुलिस से पूछे तो वो बता रहे थे कि अब आगे से जाओगे ना तो कंफ्यूज कर जाओगे, पता नहीं कैसा रास्ता था। फिलहाल यहाँ तो अभी तक तो आ चुके हैं, यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ, बताया जाता है कि यहाँ पे आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, आज तो हमारी भी पूरी होगी। ये रहा लोकल मार्केट, यहाँ का सारे पूजा का सारा सामान मिल जाता है यहाँ पर। अच्छे अच्छे दुकान है, काफ़ी एक्सपेंसिव। अच्छा,
अच्छा है यहाँ पे सब कुछ, लोकल मार्केट के साथ लोकल लोकल चीज देखने के दिखेगा यहाँ पे। ये भी वही यहाँ का जैसे कि हर एक मंदिर का जो रूल्स होते हैं आप उसके साथ जाओगे। आप तो पहले यहाँ पे चप्पल जो कुछ भी पहनते हैं उसको खोल के एंट्री, तो फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर। पीछे हर हर भोले, ये यहाँ का अंदर का सीन व्यू। ये भी हो यहाँ का काफी सारे कबूतर यार। अगर आप यहाँ अकेले हो तो थोड़ा सा फोटो खींचने में प्रॉब्लम आएगा, बाकी सब ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ पे भाई वर्ल्ड हेरिटेज में नाम है, यहाँ पे तो सारी जगह से लोग आएंगे भी। तो आज हमारी मनोकामना पूर्ण होंगे, एक तो पहला एक ड्रीम छोटा सा पूरा हुआ पशुपतिनाथ मंदिर आके। ये हम आ गए मंदिर के बाहर, ये व्यू पीछे का काफी भीड़ है यहाँ पे। फाइनली हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर गेट की एंट्री कर रहे हैं। आप अंदर जाके फोन ले जाना। तो फाइनली आई एम हैप्पी राइट नाउ। तो हमारी आज दर्शन हो गई महादेव जी की। तो इतना एक्साइटमेंट कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता अपने इन लफ्जों से यार। वहाँ का अंदर का जो सीन है वो काफ़ी खूबसूरत है। और हाँ, एक अगर आप लोग आना तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक पशुपतिनाथ मंदिर के जस्ट थोड़ा सा राइट में एक 525 शिवलिंग का राउंड बनाया गया है, वो ज़रूर राउंड करना उसको। यहाँ का व्यू तो यार हर हर भोले हर हर भोले। ये है पशुपतिनाथ मंदिर, यहाँ का व्यू देखो। यार देखने मतलब बनता है, देखने को बनता है अंदर से, पर फोन ले जाना अलाउ नहीं है अंदर। काफी अच्छा है यार। आप अगर पशुपतिनाथ मंदिर आते हो तो ये है वो सेंटर ऑफ द काठमांडू से 3.1 किलोमीटर बाद एक बागमती प्रोविंस के बागमती नदी के किनारे ये स्थित है।
यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है सिक्योरिटी में। अगर आप मोबाइल चलाते पकड़े गए मंदिर के अंदर तो आपका मोबाइल सीज, तो थोड़ा सावधानी से, बाकी आप खुद समझदार हो। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गई है पशुपतिनाथ मंदिर, और यहाँ से एक बगल में ही एक मंदिर है, वो मैं वहाँ भी जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। शमशान घाट जो कि बागमती नदी किनारे के जस्ट बगल में है, यही है बागमती नदी की नदी। पशुपति का अर्थ, पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी, मतलब जीवन का मालिक, जीवन का देवता। पशुपति ना पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम वाला को सद्योत और उत्तर वाले को वामदेव और दक्षिण वाले को अघोरा कहते हैं। दो शरीरों का सिर है, एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्सा को कवर करता है और दूसरा पश्चिम दिशा की ओर जहां पूरा नेपाल को एक शरीर का ढांचा देने में ये रास्ता गोईश्वरी मंदिर जाने के बीच आती है। यहां का देख लो व्यू, काफ़ी खूबसूरत है यार। ये शायद मेरे हिसाब से ये एग्ज़िट गेट है, पर यहाँ के यहाँ का ड्रेस काफ़ी बल्की होता है, काफ़ी ज़्यादा बल्की, जैसे आप देखा अभी। ये शादी मंडप है यहाँ का, हम पशुपतिनाथ मंदिर और उसके बगल के गोईश्वरी मंदिर उसका दर्शन तो कर लिए। काफ़ी अच्छा लगा यार, मैं यार इतना ऊपर है ना कि चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कितने हाइट पे ये मंदिर है, यहाँ से सारा काठमांडू दिख जाता है। अभी तो और हाइट बाकी है, इतना ऊपर और चढ़ना है। ये सीढ़ी का ऊंचाई देख के यहाँ के सीढ़ी का ऊंचाई देख के सिंधुली में जो म्यूज़ियम थी उस म्यूज़ियम का याद आ गया। खैर सिंधुली वाली म्यूज़ियम तो इससे भी ज़्यादा हाइट पे थी, पर ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ चढ़ना अगर आप नहीं रुकोगे तो बिल्कुल ही थक जाओगे। काफ़ी यहाँ कभी पिकनिक टाइप माहौल, ग्रीन कॉरिडोर, हरा हरा सब कुछ, यहाँ पिकनिक मनाने वाला सब पे टॉप पे, काठमांडू के टॉप पे पिकनिक मनाने का सबसे बेस्ट जगह ये है। तो फाइनली हम लोग की हमारी दर्शन हो गई, रिटर्न जा रहे हैं फिलहाल किसने। पशुपतिनाथ मंदिर के अगल बगल की जितनी भी मंदिर थी सारे घूम ली हमने। फाइनली इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।